हेलो, जी हाँ, मैं मीता बोल रही हूँ। यहाँ इंतजार हो रहा है, जगह और वक्त तुम्हें मालूम है, पहुँच रही हो ना? हाँ, मेरा शो अभी अभी खत्म हुआ, मैं अभी निकल ही रही हूँ, वक्त पे पहुँच जाऊंगी। अरे नीचे कहाँ गिर रही है आप? आपको तो ऊपर जाना है। कौन है आप और यहाँ अंधेरा क्यों कर रखा है? ऐसे सारे काम अंधेरे में ही हो तो किसी का पीला चेहरा नजर नहीं आता। मुझे भी तुम्हारा चेहरा देखने का कोई शौक नहीं है। मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, मुझे मेरे बाकी के पैसे दे दो। कहाँ है वो सेलिब्रिटी की बीवी जिसे एडिटर गुप्ता एक्सपोज करने वाले थे? मैं भी यही हूँ और तुम्हारा रुपया भी है। सो तुम एक कमाल की एक्ट्रेस हो। काफी शॉप में जो तुम रोई उस लड़की को तो दीवाना कर दिया तुमने। मेरी बदले जो तुम वहां काम करने गई थी वो शायद ही मैं कर पाती। मिस्टर गुप्ता कोई कम बड़े सेलिब्रिटी नहीं थे, लेकिन क्योंकि उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में खबर हो चुकी थी इसलिए हमने तुम्हें हायर किया और तुमने संजय के जरिए उन्हें ऊपर पहुंचा। ये रुपयों के साथ पिस्टल क्यों? ये पिस्तौल मेरे लिए। या यूं कहो, मैं तुम्हारे तुम्हें भी वही जाना है जहां गुप्ता जी भेजेंगे। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, हकीकत है। पुलिस संजय के जरिए तुम तक और फिर तुम्हारी वजह से हम तक पहुंच सके। योर शो इज ओवर मीता। द शो इज नॉट येट ओवर, अभी आखिरी सीन बाकी है। मैडम, आपने एक ही गलती कर दी। इतनी मशहूर एक्ट्रेस को हायर नहीं करना चाहिए था जिसकी तस्वीरें अखबारों में छपती हैं। बस यही एक गलती काफी थी हमें यहां लाने के लिए और तुम सबको सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए। मीता कुलकर्णी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन आप मिसेस गुप्ता उससे भी अच्छी और बड़ी एक्ट्रेस है। Get them all.